चंबू बॉर्डर की तरफ दो टीयर गैस शेल जो हैं इससे फेंके गए हैं इस ड्रोन से। अभी ये जो थर्ड राउंड ऑफ टीयर गैस शेल जो है यहाँ चला है, इसमें दो एक और ड्रोन जो है अभी हवा में है जिसके जरिए टीयर गैस शेल जो है वो फेंकी जाती है। तो इस तरीके से किसानों को रोकने की कोशिश जो है की जा रही है। किसान भड़के हैं, किसान अब यहाँ डटे हैं शंभू बॉर्डर पे। ये बैटल ग्राउंड शंभू बॉर्डर बन गया है, अब ये बैटल ग्राउंड शंभू बॉर्डर हो गया है। यहाँ से आगे हरियाणा है, यहाँ से पीछे पंजाब है, पंजाब से किसान जो है स्मूथली शंभू बैरियर तक पहुंचे हैं, पर हरियाणा में एंटर नहीं करने दिया जा रहा है उनको। दिल्ली कूच की तैयारी किसानों की थी, किसान बड़ी संख्या में है, पर ये इसका नतीजा जो है अब जो है पंजाब के गाँव में देखने को मिलेगा। अगर ये कैंपेन जो है पंजाब के गाँव में जोर पकड़ता है कि किस तरीके से हरियाणा ने जो है हरियाणा सरकार ने जो है किसानों के इस मूवमेंट को जो है रोकने की कोशिश की है, तो किसानों ने कोशिश की जब उनके लीडर जो हैं संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेता बैरियर्स पे पहुंचे थे, बैरिकेड्स पे पहुंचे थे, तो एक तरीके से वो एक ग्रीन सिग्नल था किसानों को कि अब जो है हमें क्रॉस करना है। तो जैसे ही ये किसान नेता जो है यहाँ बैरियर पे पहुंचते हैं, बैरिकेड्स पे पहुंचते हैं, उसी समय हरियाणा की तरफ से टीयर गैस शेल जो है वो इस्तेमाल करना बिल्कुल सचिन जो किसान नेताओं के साथ पीछे भीड़ थी किसानों की, उनको तितर बितर करने के लिए ये आंसू गैस के गोले जो दागे गए। आपने जैसा कि बताया कि किसान नेता जैसे ही बैरिकेड्स के नजदीक पहुंचे, तो क्या कुछ किसान नेताओं को यहां पर डिटेन भी किया गया है, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है क्या? नहीं, अभी किसी किसान नेता को डिटेन नहीं किया गया है, क्योंकि किसान नेता सारे वो पंजाब की तरफ ही थे, क्योंकि क्रॉस नहीं कर पाए हैं वो, क्योंकि पुलिस ने उनके बैरिकेड्स के ऊपर पहुंचते ही जो है टीयर गैस शेल जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे और किसानों को जो है रिपेल किया था पीछे की तरफ पंजाब बॉर्डर की तरफ पंजाब की सीमा में। पर किसान अभी भी डटे हैं, किसान नेता भी यही हैं, किसानों की तरफ से बार बार कोशिश इसी बात की जा रही है कि वो बैरियर तक जाएं, बैरिकेड जो है किसी तरीके से क्रॉस करें हरियाणा की तरफ से। लेकिन फिलहाल सचिन यहां पर अभी जो हरियाणा में सुरक्षा के इंतजाम हैं वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं किसानों पर, क्योंकि अभी तक तो किसान हरियाणा में ये बैरिकेड्स और जो सुरक्षा के इंतजाम है उसको भेदने में कामयाब नहीं हुए ना, अभी तक पंजाब ही में है ना। जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा। अभी तक हरियाणा की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के, कानून व्यवस्था बनाए रखने के, उसमें हरियाणा सरकार किसानों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। किसान क्या हरियाणा में दाखिल हो पाए हैं या नहीं, अभी तक किसानों को पंजाब की तरफ ही खदेड़ने में हरियाणा सरकार कामयाब हुई है। जी बिल्कुल, ये सही है कि किसान जो है हरियाणा की तरफ नहीं जा पाए हैं, किसान पंजाब में ही हैं, अभी हरियाणा की तरफ वो क्रॉस नहीं कर पाए हैं। पर मैं कह रहा हूं कि इसका जो है आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि इसका जो ये कैसे एम्पलीफाई होता है सारी सिचुएशन जो है, क्योंकि मैसेज जाएगा पंजाब के गांव में और एसकेएम मेन जो है अगर उनके नेतृत्व में फिर किसान आते हैं तो यहां नंबर्स जो है किसानों के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हरियाणा की तरफ से एक बात मैं बता दूं आपको, 2020 के मुकाबले इस बार क्या तैयारी थी, पिछली बार जो था हरियाणा में जो है ये जो पुल है पुल के पार जो है दोनों पुलों के पार जो है हरियाणा की तरफ से जो है बैरिकेडिंग की गई थी और टीयर गैस शेल जो है वहां इस्तेमाल किए गए थे। पर इस बार हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रशासन ने बड़े क्लेवरली इस चीज को मैनेज किया है कि जो पुल हैं पुलों के ऊपर जो है उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए और वही एंटी रॉयट व्हीकल्स जो हैं तमाम एंटी रॉयट गियर में पुलिस जो है वो तैनात की है ताकि किसान पुल को क्रॉस ना कर पाए।